हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनएंडिंग एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट फ्लैट बुक का चौथा चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पढ़ेंगे, रिटन बाय एनी फ्रैंक। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, लेट मी इंट्रोड्यूस सम मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो हमारे पहले मेन कैरेक्टर है एनालीज मैरी फ्रैंक। ये एनी फ्रैंक का पूरा नाम है। ये एक ज्यूइश गर्ल थी और इनका जन्म 12 जून 1929 में हुआ और डेथ फरवरी या मार्च के 1945 में हुआ। ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि रियल में उनका डेथ फरवरी या मार्च में हुआ। हमारी सेकेंड कैरेक्टर है ऑटो फ्रैंक। ये एनी के फादर थे। हमारी थर्ड कैरेक्टर है मार्गेट फ्रैंक। ये एनी के एल्डर सिस्टर थी। नेक्स्ट है एनी की मॉम एडिथ फ्रैंक। फिफ्थ है मिसेस क्यूप्रेस। ये एनी की हेड मिस्ट्रेस थी। और लास्टली सिक्स नंबर पे है मिस्टर किजिंग, जो कि एनी के मैथ्स टीचर थे। तो आप लोगों ने तो क्लास टेंथ तक आते आते कभी ना कभी हिटलर के बारे में तो जरूर सुना होगा। हिटलर ने 1933 से 1945 तक जर्मनी पे रूल किया। वो नाजीज पार्टी के पॉलिटिशियन थे और बहुत ही ज़्यादा क्रूएल थे। तो ये जो स्टोरी है वो एक आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, जो एनी लिखती है, वो भी केवल 15 साल की एज में। अब आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि कैसे कोई 15 इयर्स की एज में डायरी लिख सकता है, लेकिन ये सच्ची बात है। एनी केवल 15 इयर्स की थी जब उसे कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था, और क्योंकि वो ज्यूइश गर्ल थी। सो सैड टू हियर, जब हिटलर ने जर्मनी पे कब्जा किया और फिर नेदरलैंड पे कब्जा किया, तब एनी और उसकी पूरी फैमिली उनके डैड के ऑफिस में छुप गए, वो भी पूरे 2 सालों तक। लेकिन इनके ग्रुप को किसी ने धोखा दिया और उन्हें पकड़वा दिया, जिसके बाद एनी को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया और वहाँ उसकी डेथ हो गई। वॉर ख़त्म होने के बाद एनी के फादर ही अकेले बच गए थे। अब एनी के फादर नेदरलैंड गए और एनी की डायरी ढूंढ के निकाल लिया और उसे पब्लिश करवा दिया। तो ये जो स्टोरी है वो बेसिकली वही डायरी से ली गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाक से शुरू करते हैं आज का इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। तो एनी अपनी डायरी को ये बोलते हुए शुरू करती है कि डायरी लिखना मेरी जैसी लड़की के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, केवल इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिखा, बल्कि इस कारण से कि क्या कभी कोई मेरी डायरी में इंटरेस्ट दिखाएगा जिसे पता चलेगा कि ये डायरी एक 13 साल की लड़की ने लिखा है। लेकिन ये सब बातें मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती, मुझे तो केवल लिखना है अपनी मन की सारी बातें, लिखना है जो भी मेरे दिल में है। अब एनी बोलती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इसका ये मतलब है कि पेपर के पास लोगों से ज़्यादा सहन शक्ति है। ये बात एनी के दिमाग में तब आई जब वो उदास होकर परेशान होकर चेयर में बैठी हुई थी, अपने गालों में हाथ रखकर, और बोर हो रही थी। हाँ, ये बात सच है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस। वैसे ये मोटी सी डायरी कौन पढ़ेगा, कोई नहीं। हाँ, जब तक मैं कोई सच्चा दोस्त नहीं बनाती और उसे ये डायरी पढ़ने के लिए नहीं देती, तब तक इस डायरी को कोई नहीं छुएगा। अब एनी ये बोलती है कि मैं ये डायरी क्यों लिखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास
मेरा कोई भी रियल फ्रेंड नहीं है। और अगर ये बात मैं आपको बताती हूँ कि एक 13 साल की लड़की के का कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो आप ये बात पे यकीन नहीं करोगे। हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, एक 16 ईयर ओल्ड एल्डर सिस्टर है और 13 मेंबर्स है जिन्हें मैं दोस्त मानती हूँ। मेरे पास मेरी फैमिली है, लविंग आंट्स है और एक प्यारा सा घर है। अगर आप सामने से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास एक भी ट्रू फ्रेंड नहीं है। मैं उन 30 फ्रेंड्स से बात भी करना चाहूँ तो इधर उधर की बातें ही कर सकती हूँ। हो सकता है कि ये मेरी गलती ही हो कि हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाते, बस सब कुछ ऐसे ही चलेगा और शायद कभी चेंज भी नहीं होगा। और बस यही कारण के चलते मैंने डायरी लिखना शुरू किया। मैं ये चाहती हूँ कि डायरी मेरी बेस्ट फ्रेंड बने। सो आज से तुम्हारा नाम किटी होगा। यहाँ एनी किटी अपने डायरी का नाम रखती है। अब एनी बोलती है कि उनके फादर दुनिया के सबसे अच्छे फादर है। उन्होंने मॉम से तब तक शादी नहीं की जब तक वो खुद 36 के नहीं हुए और मॉम 25 की नहीं हुई। मेरी एल्डर सिस्टर का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी में 1926 में हुआ। मेरी बर्थ 12 जून 1929 में हुआ। मैं 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में रही। मेरे फादर 1933 में हॉलैंड चले गए थे। मेरी मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक भी सितंबर में उनके साथ हॉलैंड चली गई। जबकि मुझे और मार्गेट को हमारी दादी के साथ रहने के लिए HN भेज दिया गया। मार्गेट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई और पीछे पीछे फरवरी में मैं भी हॉलैंड पहुंच गई। एनी ने अपनी पढ़ाई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में शुरू कर दिया और 6 साल की उम्र तक वहीं रही। जब मैं 6th स्टैंडर्ड में आई तो मेरी हेडमिस्ट्रेस का नाम मिसेस क्यूप्रेस था। साल के एंड में मैं यानी कि एनी और हेडमिस्ट्रेस रो रही होती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करने वाली थी। अब 1941 में गर्मियों के दिन में मेरी दादी बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाती है और उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। इसी कारण एनी अपना बर्थडे नहीं मना पाती है। 1942 में एनी की ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है। अब एनी बोलती है कि किसी को ये मालूम भी नहीं था कि वो अपनी ग्रैंडमा को कितना ज़्यादा प्यार करती थी और मिस करती है। 1942 में एनी का जन्मदिन यानी कि बर्थडे नॉर्मल तरीके से मनाया गया और एनी की ग्रैंडमा के लिए भी मोमबत्तियाँ जलाई गई। अब हम 4 ही जन थे और एक दूसरे के साथ थे। अब एनी बोलती है कि डियरेस्ट किटी, आज सुबह से ही मेरी पूरी क्लास एक दूसरे से बात करने में बिजी थी और उसका ये रीज़न है कि आने वाले टीचर्स के बीच होने वाले मीटिंग में ये टीचर्स लोग डिसाइड करने वाले थे कि कौन सा स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा और किसे वहीं पे उसी क्लास में रोक दिया जाएगा। आधा से ज़्यादा क्लास एक दूसरे से बैट लगा रहा था। एनी और उसकी फ्रेंड जियन आगे बैठे दो लड़कों पे हंस रही होती है जिनका नाम सीएन और जैक था। वो दोनों ने अपनी पूरी छुट्टियां में बचाई पैसों को बैट में लगा रहे थे। एक बोलता कि तुम पास हो जाओगे तो दूसरा बोलता नहीं मैं नहीं तुम पास होगे। यही पूरे क्लास में चल रहा था। ये देख काफी गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मेरी मानो तो
मुझे ये पता था कि इस क्लास के 1/4 स्टूडेंट फेल हो सकते थे, लेकिन सभी चीज़ें तो टीचर्स पर निर्भर करती है। टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, जिन्हें समझा नहीं जा सकता कि वो कब क्या कर देंगे। अब एनी बोलती है कि मुझे अपने फ्रेंड्स और अपने लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, हम तो पास हो ही जाएंगे, लेकिन बस एक सब्जेक्ट था जिसमें मैं श्योर नहीं थी कि मैं पास हूँ कि फेल, वो सब्जेक्ट था मैथ्स। खैर, अब हम इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, बस एक दूसरे को हम बोल सकती हैं कि होप ना खोए। मेरी सभी टीचर्स के साथ अच्छी बनती थी, टोटल 9 टीचर्स थे जिनमें 7 मेल टीचर्स थे और 2 फीमेल टीचर्स थी। मिस्टर किजिंग जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे वो हमारे स्कूल के थोड़े पुराने टीचर थे और वो मुझसे लंबे टाइम से नाराज थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। वो मुझे कई वार्निंग्स भी देते लेकिन फिर मैं नहीं सुधरती तो वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया करते थे। वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क में ऐसे लिखने देते अ चैटर बॉक्स पर, मैं चुपचाप उस टॉपिक को लिखकर अपने बैग में रख लेती थी और शांति से अपनी सीट पर बैठ जाती थी। अब उसी शाम जब मैंने सारे होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क के बारे में याद आया जो मिस्टर किजिंग ने मुझे दिया था। फिर मैं अपने पेन के टिप को माउथ में दबा कर सोचने लगी कि आखिर लिखा क्या जाए। कोई भी कुछ भी लिख सकता है, लेकिन वो वर्ड्स कन्विंसिंग भी तो होने चाहिए। ऐसा थोड़ी कि पेन उठाया और कुछ भी लिख डाला। काफ़ी देर सोचने के बाद मैं मिस्टर किजिंग के दिए गए एक्स्ट्रा होमवर्क पर 3 पेजेस लिख डाला और अब मैं सेटिस्फाइड थी। मैंने ये लिखा कि बोलना स्टूडेंट्स का एक फीचर है और शौक है, लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगी कि कम बोलूँ, लेकिन मैं केवल कोशिश ही कर सकती हूँ, बंद नहीं कर सकती। ये गुण मेरे में मेरी मॉम से आई है जिसे मैं हटा नहीं सकती। अब एनी बोलती है कि जब मिस्टर किजिंग ने मेरा ये ऐसे पढ़ा तो वो हंसने लगे, लेकिन जब मैंने नेक्स्ट लेसन में फिर से बात की तो उन्होंने मुझे फिर से एक टॉपिक दे दिया, इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। 2 लेसन तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन सेकेंड लेसन में उन्होंने कहा, एनी फ्रैंक, तुम्हें पनिशमेंट के तौर पे एक ऐसे लिखना पड़ेगा जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये टॉपिक सुनकर पूरा क्लास जोर जोर से हंसने लगा, मैं भी उनके साथ हंसने लगी। लेकिन अब टाइम आ गया था कि कुछ ओरिजिनल लिखा जाए। मेरी फ्रेंड सेनी जो पोएट्री लिखना अच्छे से जानती थी उसने बोला कि वो मेरी हेल्प करेगी इस ऐसे को लिखने में। ये सुन एनी खुशी से उछल पड़ती है। मिस्टर किजिंग ने मुझे ये टॉपिक इसलिए दिया था ताकि मेरा मजाक बना सके, लेकिन अब मैं उनका मजाक बनाऊंगी। मैंने मेरे पोयम को ख़त्म किया जो एक मदर डक और एक फादर स्वैन पर था जिसके 3 डकलिंग बच्चे थे जिसे उनके ही फादर स्वैन ने मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। मिस्टर किजिंग ने ये पोयम सही वे में लिया और मेरे क्लास के साथ साथ दूसरे क्लास में भी मेरा ये पोयम पढ़ा और उस दिन के बाद एनी को मिस्टर किजिंग ने कभी भी बात करने से मना नहीं किया। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।